For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venusmovies. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा कृसङ्गोऽस्त्वविकर्मणि। आसमान से भेजी गई नूर की वो पाक मुकद्दस बूंद जो सदियों से इस सरजमीन को सींचती चली आई है। मैं औरत हूं, मैंने ही प्यार के रंग बिरंगे फूल खिलाकर इस दुनिया को जन्नत बनाया। मैंने ही अपनी कोख से मर्द को जन्म दिया, मां बनकर उसे पांव पर चलना सिखाया तो बहन बनकर उसके बालापन को चुलबुली कहानियां दी, महबूबा बनकर उसकी जिंदगी को रेशमी नगमों में ढाला, तो शरीके हयात बनकर अपनी जवानी के अनमोल मोती लुटाकर उसके रात और दिन सजाए। मैंने ही वक्त पड़ने पर कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर कटीली राहों में दोस्त बनकर उसका साथ दिया, और ये सब करते हुए अपना वजूद खोकर मैं औरत नूर की वो बूंद मर्द में पूरी की पूरी समा गई। मेरी इस बेमिसाल कुर्बानी की कहानी को हर मजहब ने सुनहरे अल्फाज में लिखा, मुझे अजमत की उन बुलंदियों पर बिठा दिया जहां पहुंचकर इंसान खुदा हो जाता है। लेकिन यह हकीकत नहीं, भरम था, रेगिस्तान में पानी के जजीरे जैसा भरम जिसके टूटते ही आज सदियां बीत जाने तक हर लम्हा मुझे यही डर सताया रहता है कि ना जाने कब अपनी ऊंचाई से मैं गिरा दी जाऊं, कब किसी कोठे पे ढकेल दी जाऊं, कब जुए में दांव पर लगा दी जाऊं, कब अपनी पाकीजगी का सबूत देने के लिए मुझे शोलों में झुलसना पड़े, कब मैं जन्मते ही मार डाली जाऊं, कब हवस के मीना बाजार में नीलाम कर दी जाऊं, कब निकाह करके अपनाई जाऊं तो तलाक देकर ठुकराई जाऊं, और कब मेरी इज्जत मेरी इस्मत का रखवाला मर्द अपने ही हाथों मुझे बेआबरू कर डाले, क्योंकि मैं एक औरत हूं। माफ कीजिएगा, आप फाख हैदर साहब कहां मिलेंगे? जी ऊपर ऊपर ला हौल वला कुव्वत। मियां अपने दीदों का इस्तेमाल कीजिए, एक भी जुमला आपको सही लिखना नहीं आता और उस पर इस कदर गंदी किताबत, लानत है आप पर, किस बेवकूफ ने आपको कातिब बनाया है? हुजूर क्या है जी, अरे विजय हमारे पास वक्त नहीं है। वक्त मेरे पास भी नहीं है जनाब। अब आप खड़े खड़े मुंह क्या ताक रहे हैं, जाइए और इस फर्मे को दोबारा लेकर आइए, चलिए और आप भी चलिए। आदाब। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। वल्ला हमने तो सोचा भी नहीं था कि आपसे कभी मुलाकात होगी।
और वो भी इस तरह? वो बात यूं थी कि 2 महीने हुए मैगजीन में कुछ नजलें छपी थी, मुआवजा पहुंचा नहीं तो सोचा खुद ही जाके पूछ लूं। कमाल है, आप लिखती नहीं है क्या? क्यों लिखना नहीं चाहिए मुझे? नहीं, बात ये नहीं है, इसलिए पूछना पड़ा कि आपका लिखा हुआ हमारे पढ़ने में कभी आया नहीं। मैं नीलोफर के नाम से नहीं, शबनम रहमानी के नाम से लिखती हूँ। भला क्यों? माशाल्लाह नाम तो आपका पहले से ही बहुत खूबसूरत था। लीजिए नोश फरमाइए। शुक्रिया, मेरी छोड़िए, नाम तो आपने भी बदल डाला, मैं तो सोच भी ना सकती थी कि आफाक हैदर के पर्दे में से आप निकलेंगे। बात तो यूं राज की है, चलिए आपको बता देते हुआ यूं कि मैं आपसे बहुत अरसे के बाद मुलाकात हुई है, पहले कुछ चाय वाय हो जाए। नन्ने मियां जी। हुजूर। हुजूर एक उम्दा वाली चाय तो लाइए। हाँ जी, सुनिए तो सही, साथ में कुछ अच्छे वाले बिस्कुट बिस्कुट भी लेते आइए। अच्छा जी, पूरी बात सुनते जाइए। हाँ जी, चाय सेट में लेकर आइए। हाँ जी, अब जाइए। हाँ देखिए ना, हुआ यूं कि एक मर्तबा हम एक मुशायरे में शिरकत के लिए गए, गजल पढ़ने का नंबर आया तो हमारा नाम पुकारा गया, जनाब बजरुद्दीन कमालुद्दीन हैदर साहेब। यकीन मानिए, यूं लगा जैसे किसी शायर का नहीं बल्कि दुकान का नाम पढ़ा जा रहा। वो देने और आज का देने, इस खाकसार ने अपने आप को आफाक हैदर के नाम से बुलवाना शुरू कर दिया। चाय हुजूर। मारक दीजिए मियां, आइए चाय पी लेते। एक मिनट नन्ने मियां। शुक्रिया, आइए तशरीफ रखिए। शुक्रिया। जी शक्कर नहीं, लीजिए। शुक्रिया। आज जब आपका गुस्से में थमथमाया हुआ चेहरा देखा तो यकायक 16 अगस्त 1976 की दोपहर की याद आ गई, जब हमने पहली पहली बार आपको कॉलेज में देखा था। अर्ज है, तोड़ कर टुकड़े की तरह दे दिया साफ जवाब, ऐ जफर जिनके टुकड़ों पे पले थे। अरे कोई सपना अपना नहीं देखा। अरे हाय 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 हाय, खुदा कसम क्या क्या चीज है यार। अरे चीज नहीं, जन्नत की हूर है, जन्नत की हूर। क्या बात, मगर जनाब अपने पुट्ठे पर हाथ नहीं रखने देते। अमा कौन पुट्ठे पर हाथ नहीं धरने देती? अरे वही नीलोफर। और कौन? कौन सी? वो नीलोफर के फूल वाली, वो लंबी वाली। अच्छा अगर कोई हाथ धर दे तो? 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 अरे तो ये पहले हाथ, पहले हाथ। चले मियां, जरा मजा देखो अब। जानती हूँ क्या हुआ, बहुत अच्छा उसने उसको पकड़ लिया और मारने ही वाला था। हेलो रेहाना, दिल्ली से कब आई? बदतमीज, मैं तुम्हें रेहाना दिखाई देती हूँ। हाँ दिल्ली जाके मुटिया तो गई है, कुछ दिखने भी कम लगा है क्या? शराब कम दिखता होगा आपको। बचपन के दोस्त हैं, आपकी सहेली को मजाक की आदत है। अच्छा सुनो। अच्छा तो बताओ मजाक क्या होता है? जानते नहीं मैं नीलोफर हूँ, नीलोफर पेश शर्म। नीली नीली आंखों वाली नीलोफर, नाम इतना ठंडा और मिजाज इतना गरम, और वो 10 का नोट जो उस दिन हमने शर्त में जीता था वो आज भी हमारे पास है। ये देखिए, है ना वही तारीख 16/8/76। आपने इसे खर्च ही नहीं किया? खर्च कैसे कर देते, इसके आने के बाद से तो हमारी दुनिया ही बदल गई साहब। सुबहें खुशनुमा, शामें रूमानी होती चली गई, आंखें खुलती तो तबीयत होती उठाओ साइकिल और भागो यूनिवर्सिटी। और जब यूनिवर्सिटी पहुंचते
तो हमारी आंखें सिर्फ आप ही को तलाशती फिरती हैं। जी जी सुनिए, उस रोज की गुस्ताखी के लिए माफी चाहते हैं। देखिए आप इस तरह से नहीं जा सकती, आपको हमारी बात सुननी होगी। देखिए हमारा नाम हैदर है, अगर आप हमें माफ नहीं करेंगी तो ठीक 11:30 बजे इस कॉलेज की घंटी को सुनकर हम यहाँ इसी जगह इसी तरह आपसे माफी मांगते रहेंगे। आप हंसी तो हमने समझा लड़की फंसी। बस फिर क्या था, अगले ही रोज साइकिल उठाई और बंदा आपकी जोड़ी पर हाजिर हो गया। अब क्या है, हद कर दी आपने बदतमीजी की, मुंह उठाकर घर तक चले आए। जी नहीं, वो ये फूल फूल वूल कुछ नहीं, साइकिल उठाई और चलते बनिए बेशर्म कहीं के। और सुनिए जी, आइंदा ऐसी हरकत की तो ठीक ना होगा, गेट आउट, समझे? समझे? आपकी उस डांट ने तो साहब सारे पलस्तर ही झाड़ दिए हमारे। हमने कसम खा ली कि मिलना तो दरकिनार, देखेंगे तक नहीं आपकी तरफ, बल्कि आप अगर सामने से आती दिखाई भी देती तो हम कतरा कर पलट जाते और आपके ख्याल को फूल की तरह सीने से लगा लेते। मगर उस रोज कॉलेज के सालाना जलसे पर ना जाने क्यों आपको हम पर रहम आ गया। आदा आदा जमी आदा। सुनिए, मैं सबकी तरफ से फरमाइश लाई हूं, सब आपकी गजल सुनना चाहते हैं। देखिए हमारी पिछली मुलाकातें काफी कड़वी रहीं, लेकिन आज इस आखिरी मुलाकात में हमें वो सारी कड़वाहट भुला देनी चाहिए, है ना? प्लीज सुनाइए ना कोई अच्छी सी गजल। हाँ, आपने पहली बार किसी चीज के लिए इसरार किया है, इनकार नहीं कर सकते। आदाब, हमको दुआएं दो, तुम्हें कातिल बना दिया। दोस्तों और दोस्तनियों, नौजवानों और नौजवानियों, आज की इस अलविदाई महफिल को खुशगवार बनाने के लिए नीलोफर साहिबा के इसरार पर हर दिल अजीज, हर जवान दिल की धड़कन हैदर साहब ने एक गजल पढ़ना मंजूर कर लिया है। तालियां, जोरदार तालियां। आइए 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 हुजूर, तशरीफ लाइए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। इस मौके पर किसी उस्ताद का एक हस्बेहाल शेर याद आ गया। इरशाद, इरशाद, इरशाद। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिलें, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। अजी हजर साहब, इस अलविदाई के मौके पर आप अपना कलाम सुनाइए ना। लेकिन तरन्नुम में नियत। अभी अलविदा मत कहो दोस्तों, न जाने कहां फिर मुलाकात हो, न जाने कहां फिर मुलाकात हो, क्योंकि बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी,
ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। कसक साथ तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी। साए हुए रखना साथ तो होगी। और उस दिन के बाद अरसे तक हम आपके दीवाने बने रहे, लेकिन एक रोज जब मालूम हुआ कि आप किसी नवाब खानदान की बहू बेगम बन गई हैं, तो हमने आपकी यादों को सूखे फूल की तरह अपने दिल की किताब में बंद कर लिया और इंतजार करते रहे कि शायद कभी ख्वाबों में ही मुलाकात हो जाए। लेकिन हमारी खुशकिस्मती देखिए, आज ख्वाबों से निकलकर आपसे हकीकत में मुलाकात हो गई। आपसे क्या मिले, हमारी तो जवानी वापस आ गई। हाँ लीजिए, आपका चेक आ गया। आइए बशीर मियां। शुक्रिया, लीजिए यहां दस्तखत कर दीजिए। मैं देरी के लिए माफी चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। क्यों शर्मिंदा कर रही हैं? अब इजाजत दीजिए। आदाब। सुनिए जी, अगर कुछ नया कहें तो जरूर बताइएगा। लाई तो थी मगर बात यूं है कि लाई थी तो फिर लौटाए क्यों लिए जा रही हैं? इस जखीरे पर तो हमारा हक है। अब मैं चलती हूँ। नीचे तक तो आपका साथ दे ही सकते हैं। आइए आइए। और कैसी गुजर रही है मियाँ के साथ? बस गुजर रही है। चलो अच्छा है। अच्छा अब मैं इजाजत चाहूंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। नीलुफा और बस Thank you.
हैदर बेटा। हाय अम्मी। न जाने घंटों से क्या कर रहा है, मैं कितनी बार खाना गर्म कर चुकी हूँ। कुछ परेशान हो क्या? हाँ मु, हाँ मैं परेशान तो है। क्यों, क्या बात है? अम्मी हमारे साथ एक लड़की पढ़ा करती थी। क्या हुआ उसे? यही तो मालूम नहीं। तो तुझे क्या मालूम है? अम्मी आप नहीं समझेंगे। हाँ क्यों? उसकी शादी एक नवाब खानदान में हुई थी। फिर क्या, आज 50 रुपए के लिए हमारे दफ्तर में आई और जाते वक्त बस में गई। हाँ। और उसके जाने के बाद पता चला कि वो यहाँ किसी हॉस्टल में रहती है। तू अपना खून क्यों जला रहा है, उसी से पूछ लो ना। अम्मी आपने तो कह दिया पूछ लो, लेकिन पूछे कैसे? खत लिख दे। मोहतरम जनाब एडिटर साहब, आदाब और तस्लीमात के बाद अर्ज है कि आपका खत मिला, हालात से आगाही हुई, दीगर अहवाल ये है कि यहाँ सब खैरियत है। अब फरमाइए क्यों बुलाया है? बस यही जानने के लिए कि वाकई यहाँ सब खैरियत है। क्यों? क्योंकि आपकी नज़मों से तो जाहिर नहीं होता कि सब खैरियत है। समझ में नहीं आता कभी कि हरदम हंसने चहकने वाली लड़की ने यकायक यह दुख दर्द उदासी और फ्रस्ट्रेशन का रास्ता क्यों अपना लिया। दुनिया की तमाम खूबसूरत नज़में दर्द की कोख ही से तो पैदा होती हैं हैदर साहब। बहुत खूब, भाई वाह। लेकिन यह जवाब अदीबा शबनम रहमानी का तो हो सकता है, नीलोफर का नहीं। और हमने आज यहां सिर्फ नीलोफर को बुलाया है, एडिटर आफाक ने नहीं, दोस्त हैदर ने। क्या ये नहीं हो सकता कि तुम भी एक दोस्त की हैसियत से अपना दिल खोलकर हमारे सामने रख दो? नीलोफर, दिल खोलकर बातें करने के लिए जगह भी खुली चाहिए, क्यों ना कहीं बाहर चलकर बैठे। ये तो हम सुनी चुके हैं कि तुम्हारी शादी एक आला नवाब खानदान में हुई है, लेकिन उस रोज सिर्फ तुम 50 रुपए के लिए दफ्तर आई हो, बस में वापस लौटी तो हमें कुछ अजीब सा लगा। और फिर हमें जब ये मालूम हुआ कि तुम यहां किसी हॉस्टल में रहती हो तो हम तुम्हें खत लिखने पर मजबूर हो गए। नीलोफा देखो, नीलोफा तुम्हें अपने निजी मुसीबतों के जंगल तो खुद ही तय करने हैं, लेकिन राह में अगर कोई साथी मिल जाए तो सफर आसान हो जाता है। नहीं? मैंने कसम खाई थी किसी के आगे रोऊंगी नहीं, आपने रुला दिया। नहीं नीलोफा, हमने तुम्हें रुलाने के लिए नहीं, बल्कि हम तो तुम्हें खुश देखना चाहते हैं। देखो, एक दोस्त ने अपना माजी खोलकर तुम्हारे सामने रख दिया, क्या तुम हमें अपनी कहानी नहीं बता सकती? जहां पर आपकी कहानी खत्म होती है, दरअसल वहीं से इन आंसुओं की कहानी शुरू होती है। सितंबर 78 की 7वीं तारीख थी, मेरा एमए का नतीजा निकल चुका था और मैं पास हो चुकी थी। मुझे बखूबी याद है उस रोज दीवान पर लेटी हुई अपनी डायरी लिख रही थी। डायरी लिखना मेरी पुरानी आदत है, तभी अम्मी ने आकर मेरे हाथ से डायरी छीन। जब देखो किताबों से दीदे जोड़े पड़ी रहती है। क्या है अम्मी? अरे और भी तो काम है जो आगे चलकर घर गृहस्थी में काम आएंगे। आप तो बस यही चाहती है दिन रात औरतों वाले काम करती रहूं। अम्मी आप कितनी प्यारी हैं। सब समझती हूँ लाड़ो, तेरे इन चोंचलों के मतलब। अम्मी हम घर में बड़े बड़े बोर हो गए हैं, जर्नलिज्म के कोर्स में दाखिला दिलवा दीजिए ना। ना बाबा ना, हमें जितना पढ़ाना लिखाना था पढ़ा लिखा चुके, अब जो भी करना मियाँ के घर जाकर करना। हाँ जब देखो मियाँ के घर की धमकी दिया करती है। लेकिन बन्नो आज धमकी नहीं दे रही, आज सची वसीम आ रहा है। सच? वसीम आ
वसीम बेटे। बेटा हमारा फैजी से पहुंच गया, अल्लाह का शुक्र। भाईजान। अरे निकी, जीते रहो बेटे, अल्लाह तुम्हारी सैकड़ों बरस की उम्र करे। जीते रहो बेटे। चलो भाई। अस्सलाम वालेकुम चाचा। मिजाज शरीफ। अल्हम्दुलिल्लाह सरकार, सवारी हाजिर है। अरे चाचा ये अभी तक जिंदा है? चलो बच्चों चलो, यू समझिए, थोड़ी आओ, है रात दिन इसकी परवरिश करता रहा हूँ, यू समझिए कि किसी को हाथ नहीं लगाने दिया हूँ। आओ बैठो, चलो चलो बैठो, बैठ जाओ। अरे वाह चाचा, ये तो बचता भी है। लो और सुनो। क्या हुआ? ये हमारी साहबजादी बड़े बूढ़ों में धसी जा रही है। अरे भाई अपने बराबर वालों में जाके बैठो। हाँ बेटी, चलो चलो कहीं साहबजादे रास्ता ना भूल गए हो, बरसों के बाद आए। चलो 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 आइए तशरीफ की। अरे भाई बैठता हूँ। हाँ, हाँ, बैठ जाइए आप भी तो तशरीफ रखिए। आ जाओ। हाँ लाओ ये मुझे दो और तुम बैठ जाओ। हाँ सब लोग बैठ गए। क्यों जी, कभी याद आती थी हमारी? और आपको? हमारे पास तो सबूत भी है, ये देखो। जी आप तो हमारे दिल की धड़कनों में बसती हैं हुजूर। आप कुछ नहीं बोलेंगी? वो ऐसे है कि ठीक है साहब, कोई बेचारा तो हजारों मील दूर से इसीलिए चला आ रहा है कि उसकी मुल्क की सरजमीन पर कोई उसका इंतजार कर रहा होगा, मगर यहां बहुत नींद आ रही है, थोड़ी देर में आना। सोने भी नहीं देते। सो रहे हैं, देखते हैं कैसे सोते हैं। उठे ना भाईजान, बताइए ना क्या लाए हैं सूटकेस खोल के। सुभान अल्लाह। ठीक है, लेकिन आप सबको मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। मानोगे? हाँ मानेंगे। ओके। अच्छा तो सुनो बच्चों, जो हमसे तोहफा लेगा वो हमें पप्पी भी देगा। मंजूर? मंजूर। सबको मंजूर? भाईजान चलिए बहुत हो गया, बताइए मेरे लिए क्या अच्छा क्या अच्छा है? अच्छा ये लो सबसे ऊपर तुम्हारा तोहफा, ये ले। बहुत खूबसूरत है ना? ऐसे नहीं, पप्पी 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 पप्पी। बस 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 बस। अरे 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 अच्छा अच्छा सबको देते हैं। सबसे पहले अपने शकील के लिए ये। थैंक यू अंकल, थैंक यू। और ये एरोप्लेन आपके लिए। थैंक यू अंकल, थैंक यू अंकल। ये कार आपके लिए। थैंक यू अंकल। गुड़िया बेटी आपके लिए ये नन्ही सी गुड़िया, पहले पप्पी। थैंक यू मामू जान। वेलकम डार्लिंग। आदाब। और हमारा तोहफा? आपका? आपको तो हम भूल ही गए। आई एम सो सॉरी। ठीक है जी, हमें याद रखने की जरूरत भी क्या थी। जाने दीजिए ना। पहले मुस्कुराओ। तंग मत कीजिए। ठीक है नहीं करेंगे, मगर जरा हाथ तो दीजिए। शुक्रिया। शुक्रिया उक्रिया से कुछ नहीं होगा। पप्पी पप्पी दत्त, जिस जिसने तोहफा लिया उसने प्यार किया, तुम्हें भी करना होगा। क्या कर रहे हैं आप? अल्लाह कोई देख लेगा। कोई नहीं देखता, कोई नहीं। भाईजान खाना लग गया है। देखो बाजी, बात यह है अल्लाह रखे वसीम पढ़ लिख कर आ गया है, अब शादी ब्याह के बारे में क्या सोचा है? हाँ शादी ब्याह के बारे में अब मैं क्या बात करूं भाभी, वसीम के अब्बू से ही पूछ लीजिए ना। हमसे क्या पूछना, हम तो बरसों पहले दीवी जुबान पर आज भी कायम है। अगर पूछना ही है तो साहब बहादुर से पूछिए, हाँ कहते हैं कि ना। ए, हाँ कहूं? किना
चेहरा छुपा लिया है किसी ने हिजाब में, चेहरा छुपा लिया है किसी ने हिजाब में, चेहरा छुपा लिया है किसी ने हिजाब में, हाँ चेहरा छुपा लिया है किसी ने हिजाब में। अरे जी चाहता है आग लगा दूं नकाब में, जी चाहता है आग लगा दूं नकाब में, जी चाहता है आग लगा दूं नकाब में। परवाना जला इस कदर शोर मचा, एक परवाना जला इस कदर शोर मचा, शम्मा चुपचाप जली लपे शिकवान गिला, शम्मा चुपचाप जली लपे शिकवान गिला, क्या है जलने का मजा हुस्न से पूछो जरा, क्या है जलने का मजा हुस्न से पूछो जरा, क्योंकि वफा के जनाब में, खुद हुस्न डूबता है वफा के जनाब में, चेहरा छुपा लिया है किसी ने हिजाब में, जी चाहता है आग लगा तू नकाब में। ये इश्क कहाँ
से क्या हासिल कुछ भी न हुआ होता, तकरार से क्या हासिल कुछ भी न हुआ होता, तकरार से क्या हासिल कुछ भी न हुआ होता, अगर तुम न हंसी होते घर मैं न जवां होता, अगर तुम न हंसी होते घर मैं न जवां होता। जिस रोज से इस हुस्न का दीदार किया है बस प्यार किया प्यार किया प्यार किया है, ये झूठ है कि तुमने हमें प्यार किया है, हमने तुम्हें जुल्फों में गिरफ्तार किया है। जिस रोज से इस हुस्न का दीदार किया है बस प्यार किया प्यार किया प्यार किया है, ये झूठ है कि तुमने हमें प्यार किया है, हमने तुम्हें जुल्फों में गिरफ्तार किया है, हमने तुम्हें जुल्फों में गिरफ्तार किया है। तुम हुस्न हो हम इश्क हैं, तुम नहीं तो हम नहीं, ऐ बात सच्ची बस यही कोई किसी से कम नहीं, ऐ बात सच्ची बस यही कोई किसी से कम नहीं, एक नगमा है एक राग है दोनों तरफ एक आग है, तुमसे हमें शिकवा भी है फिर भी तुम्ही से प्यार है, हमें कब चैन है हमको भी करार है। देखें तो होश गुम हो न देखें तो होश गुम, अरे ये फंस गई है जान मेरी किस अजाब में, ये फंस गई है जान मेरी किस अजाब में, चेहरा छुपा लिया है किसी ने हिजाब में, चेहरा छुपा लिया है किसी ने हिजाब में, लग जाती वरना आग तुम्हारे शबाब में, लग जाती वरना आग तुम्हारे शबाब में। इजाजत है? जी हाँ। औज़ बिल्लाह मिन शैतवान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नीलोफर बानो बिन समीउल्लाह खान साहब, आपका निकाह जनाब वसीम अहमद साहब व जनाब नवाब कलीम अहमद साहब से बावस 5 लाख रुपए सिक्के रायजुल वक्त मेहर मुअज्जल किया गया, क्या आपने कबूल किया? जी हाँ कबूल किया। मुबारक हो जनाब, मुबारक हो, मुबारक मुबारक। दुल्हन बेगम जरा आंखें तो खोलिए। सुभान अल्लाह, नकाब कहती है मैं पर्दाए कयामत हूं, अगर यकीन ना हो देख लो उठा के मुझे। सुभान अल्लाह, ये नहीं चलेगा, दिल से दिल की पहचान हुए तो बरसों हो गए, मगर जिस्म का जिस्म से तारुफ तो आज होगा, आज तो बस मैं और तुम और मैं, दरमियां कुछ ना रहे, कर रहे तो प्यार रहे। नीलू, ए नीलू। कल हम हनीमून के लिए जा रहे हैं, कहाँ चलोगी? आगरा चलें। आगरा? कोई खास बात? ताज से मुझे बेहद प्यार है। हमसे भी ज्यादा? जब भी मैं ताज को देखती हूँ
लगता है सफेद कपड़ों में लिपटा कोई फरिश्ता हो जो प्यार करने वाले जोड़ों को दुआएं देता है। मोहब्बत के फरिश्ते से तो कल मुलाकात करेंगे, फिलहाल मोहब्बत की मलिका से ही प्यार कर लें। ये तारा है हुजूर। ये तो वसीम का तार है, जरा वसीम मियां को तो बुलाइए। लीजिए। मॉर्निंग अबू। गुड मॉर्निंग। आराम जान। खुश रहो बेटे। आओ बेटे, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। ये तार किसका है अबू? तुम्हारा है। अरे वाह अबू, क्या हुआ? वो होटल वाला कॉन्ट्रैक्ट पक्का हो गया। अरे वाह, अल्लाह तुम्हें कामयाबी दे। देखा बेगम, बहू के कदम कितने मुबारक हैं। ये सब अल्लाह का फजल करम है। लो उतार दिया। पर हुआ क्या? मुझे 5-स्टार होटल का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। सच? अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। उसी का तो शुक्र है बेगम, ना जाने किन किन के टेंडर्स क्यों में लगे पड़े थे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिला। नीलू, तुम सच मेरे लिए बहुत लकी हो। नवाब साहब, अब इश्की फरमाते रहेंगे या सफर की तैयारी करूं? जरूर करो, लेकिन आगरा की नहीं, बंबई की। बंबई? नया काम, नई बीवी, हनीमून, साथ साथ बंबई। थैंक यू, कम, लेट्स गो। कितना खूबसूरत है। गुड मॉर्निंग। मे आई हेल्प यू? यू हैव अ बुकिंग फॉर अस, वी आर मिस्टर मिसेस वसीम। नाइस टू मीट यू। थैंक यू वेरी मच। हनीमून? यस, हनीमून। थैंक यू। हैव अ नाइस टाइम। 4-4। थैंक यू वेरी मच। बोरे, हेलो मिस्टर वसीम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे तनवीर कहते हैं। ही इज मिस्टर रहीम। भूल गए क्या? ओह यस यस, हाउ आर यू? आई एम फाइन थैंक यू। गाड़ी तो वक्त पर पहुंच गई थी। जी हाँ, शुक्रिया। मेरी बेगम। आदाब। आदाब। ये होटल के प्लान्स है ना? हाँ जी, इस सिलसिले में आपको ऑफिस बुलाया है। ओके, जस्ट अ मिनट। नीलू, तुम्हें चाबी लेकर ऊपर चलो, हम अभी आते हैं। अच्छा। ओके चलिए। मिंटी प्लीज। की बिल? बिल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।
सो बंबई कैसा लगा? समंदर अच्छा है। बुझी मगर बुझी नहीं, न जाने कैसी प्यास है, करार दे से आज भी न दूर है न पास है, ये खेल धूप छांव का, ये कुर्बतें ये दूरियां, सुना रहा ये समा, सुनी सुनी सी दास्तां, कज़ा भी है निशान। अरे भाई हम तो काम में उलझे रहते हैं, तुमने कोई शॉपिंग वॉपिंग की? तो ठीक है, आज आपको हम शॉपिंग करवाएंगे। शॉपिंग या इंतजार? इंतजार नहीं, आज तो माँ बदौलत शाम के ठीक 6 बजे आपको शॉपिंग पे ले जाएंगे। वही नसीब। बाय बाय। नीलू तुम जरा रुको, मैं भी आता एक मिनट में। हाँ एक्सक्यूज मी। यस। इसका बड़ा साइज मिल सकेगा? हाँ जरूर। वो क्या है कि मैं अपनी बेगम को तोहफा देना चाहता हूँ, सरप्राइज। ओके। कितने का होगा? यही कोई 400 रुपए। बस 400 रुपए? आप मेरा ऑर्डर लिख लीजिए। यस। आपका नाम? मिस्टर वसीम अहमद। आप इसे पैक कर दीजिए, मैं बाद में ले जाऊंगा। ओके ओके, थैंक यू। क्या खरीदने लग गए? कुछ नहीं कुछ नहीं, आओ चले। घर कब चलेंगे? क्यों, दिल भर गया यहां से? हनीमून तो खत्म हो ही चुका है, आपका काम कब खत्म होगा? नक्शा तो पास हो गया है, बस कल एक फाइनल मीटिंग करके परसों चलते हैं। ओके कम। लगता है भाईजान आ गए। आ गए? भाईजान। कैसी है तू? बहुत अच्छी हूँ। भाभी। आदाब जबू। आदाब। जीते रहो बेटे, जीते रहो, जीते रहो। आदाब। जीती रहो बेटी। आदाब। जीती रहो बेटी। आदाब अमीजान। खुश रहो, जीते रहो। हम कब से इंतजार कर रहे थे बेटे। भाभी, हम तो समझे थे कि आप काफी मोटी ताजी होकर आएंगी। अबू का घर के दरवाजे चौड़े करवाने पड़ेंगे। चाय बना। नो शुगर नो मिल्क। ओके। भाभी बंबई की शहर कैसी रही ये बताइए। बहुत अच्छी। अच्छा हुआ, वरना हमें डर था कि वसीम मियां कहीं काम में इतने मसरूफ ना हो जाएं कि तुम अकेली हो जाओ। नहीं फूफा जान, सो तो उन्होंने इस बात का पूरा ख्याल रखा था। अरे नीलू जरा आकर मेरे कपड़े निकाल देना, जल्दी। क्या अंदाज थे शिकायत करने के? ईमान से हमने तो आपकी कोई शिकायत नहीं की, हम तो आपकी बात ढक रहे थे। इसमें ढकने की क्या बात थी? कमाल है, घूमने फिरने का बेहतरीन इंतजाम मैंने करवाई दिया था, शॉपिंग ही तुमने जी भर के की, फिर आखिर कमी किस बात की थी? हनीमून की। हनीमून मनाने के लिए तो सारी जिंदगी पड़ी है बेगम, 5-स्टार होटल का इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट रोज रोज थोड़ी मिलता है। अच्छा बाबा, अब गुस्सा थूक भी दो। ठीक है, सुबह जल्दी उठा देना। क्यों? कल से ऑफिस जाना है। अरे ना आदाब ना तस्लीम, भागे चले जा रहे। खुदा हाफिज। शाम को कितने बजे आएंगे?
पांच बजे, पूरे पांच बजे। बाय बाय। सलाम अलैकुम छोटे सरकार। वालेकुम सलाम चचा। भाभी, ओ भाभी जान, कहाँ देख रही है, पत्ता फेंकिए। लो पत्ता। हाँ, ये हुई ना बात, बाजी हो गई और आप हार गई, जल्दी पॉइंट गिनिए। बाजी खत्म जी। ओ भाभी, कहाँ हैं आप? कहीं नहीं, मैं सोच रही थी घड़ी कुछ सुस्त नहीं चल रही आज। जी हाँ, आज तो सारी दुनिया की घड़ियां आपको सुस्त ही लगेंगी। पत्ते बांटो। पांच बज गए। तो क्या हुआ? या तो होंगे। कौन आते होंगे? निकी भी, जुम्मन चाचा से कहना चाय ले आए। अच्छा। छोटे दुल्हन चाय हाजिर है। छोटी बेगम, चाय दोबारा ले आया हूं। छोटी दुल्हन, चौथी मरतबा चाय ले आया हूं। अच्छा, सॉरी डार्लिंग, देर हो गई। माफ नहीं करोगी जाने मन? अरे माफ कर भी दो ना। ए रानी, ये चिराग जलाओ ना, देखो ना कितना अंधेरा है। हाय, कुर्बान जाऊं इन आंखों पर। रहने दीजिए ये चोंचले। उफ, ये दाएं। आपको ठिठोली सूझ रही है और यहाँ इंतजार में दम निकला जा रहा था। पता है, जुम्मन चाचा छह बार चाय का पानी बदल चुके हैं। छोटी दुल्हन, और अब सातवीं बार भी ले आया हूँ। छोटी दुल्हन, आइए जुम्मन चाचा। चाचा, ये बार बार चाय लाने ले जाने की सजा किसने दी आपको? छोटी दुल्हन का हुक्म था सरकार। और मैं ही अभी कह रही हूँ कि सब कुछ उठा के ले जाइए। नहीं चाचा, रहने दीजिए, हम पियेंगे। ये कोई चाय का वक्त है? आधे घंटे में तो खाना लगा जाता है। उनको आता है प्यार पे उत्साह, हम उससे पे प्यार आता है। निकी भी खाने को बुलानी आती होगी। उसमें अभी वक्त है और उसी का मैं सही इस्तेमाल कर रहा हूं। सुनिए, आज आपके पांच कितने बजे बजेंगे? डेढ़ बजे। आज तो हम लंच पर आ रहे हैं, पूरे डेढ़ बजे। बाय। ज़हे नसीब, सुनते थे इंतजार में लुत्फ है, जरूर है। निकी, खाना तो लगवा दो। खाना? खाना तो बहुत देर से लगा है, आपके नवाब साहब तो आ जाएं। डेढ़ तो बज चुका है, आते होंगे। छोटी मोटी सुइया रे, जाली का मोरा काड़न, जाली का मोरा काड़न।
खुदा हाफिज। आज ये भी नहीं पूछोगे कितने बजे आऊंगा? फायदा? अभी तक नाराज हो? माफी मांग ले। सिनेमा चलोगी? अच्छा तो ऐसा करते हैं, दोपहर को रमजानी के हाथों मैं सिनेमा की टिकट भेजवा दूंगा, तुम शाम को दफ्तर आ जाना। निक्की भी को भी ले चले, उसे फिर कभी दिखा देंगे। आज तो बस हम और तुम, सारी की सारी शाम हमारी। सारी की सारी शाम हमारी? हाँ, पहले हम सिनेमा देखेंगे, फिर किसी होटल में खाना खाएंगे, फिर हम लोफिंग करेंगे, फिर घूमते घुमाते घर आ जाएंगे, फिर हम इश्क करेंगे। इश्क नहीं करेंगे, अब आप दफ्तर जाएंगे और फिर हम शाम को मिलेंगे। खुदा हाफिज। ओके मैडम, गुड बाय। मे आई कम इन सर? क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? तुम्हारे साहब कहाँ हैं? अरे भाई, सिनेमा का वक्त हो गया है, जल्दी निकलो ना। सुनते हो? साहब कहाँ गए कुछ पता है? जी नहीं। हमारे लिए को मैसेज छोड़ा? जी नहीं। अच्छा ठीक है। रमजानी? जी साहब। मेम साहब आई थी क्या? जी हाँ, एक घंटा हुआ आपका इंतजार करके चली गई। तुम जाओ। वसीम का फाइव स्टार होटल बनता जा रहा है और मेरे ख्वाबों का महल टूटता जा रहा है। काश कभी वसीम ने वादा टूटने के दर्द को महसूस किया होता। अरे भाई, हम बेहद शर्मिंदा हैं। आज अचानक बाहर से एक क्लाइंट आ गए तो उनके साथ होटल जाना पड़ा। आज तो सोना भी तभी होगा जब पूरा काम निपट जाएगा। खाना लगवा दूं? नहीं, खाने से नींद आ जाएगी। वैसे भी ऑफिस में कुछ हल्का फुल्का खा लिया था, तुम खाकर सो जाओ, मुझे बहुत काम करना है। गुड नाइट। क्यों भाई, सफर का सारा इंतजाम हो गया? मैं तो बिल्कुल बेफिक्र हूँ। सारा इंतजाम तो दुल्हन बेगम कर रही हैं। बेगम, हम कराची जा रहे हैं ना, लगता है इसमें निक्की और अरशद मियाँ की शरारत है। अल्लाह अबू, वो कैसे? ये देखो तुम्हारे मियाँ का खत। लिखते हैं कि घड़ी घड़ी आप लोग घर से बाहर निकल तो नहीं सकते, इसीलिए आपकी ख्वाहिश के मुताबिक अपनी अम्मी और अब्बा जान के साथ आपके हज जाने का इंतजाम कर दिया। अल्लाह अबू। बेगम, खुदा का लाख लाख शुक्र है, हमें हज नसीब होगा। इसका मतलब ये कि 4-6 महीने बाद ही वापसी होगी। मगर आप सब जा कर रहे हैं? हम ले जा रहे हैं अपनी अम्मी और अब्बा को अपने साथ कराची। चल पगली, ऐसा कभी हो सकता है क्या? चल पगली, पूछो पूछो जरा, भाभी जान से पूछो, वही तो सब तैयारियां कर रही हैं। क्यों जी, आपने तो हमें बताया नहीं। लेकिन आप घर होते ही कब हैं? ओह डैम इट, कब जा रहे हैं आप लोग? कल सुबह। रोती क्यों हो? अरे जल्दी बुलाते रहा करेंगे। फूफी बनाकर। अरे भाई, आप लोग को जाना कि नहीं जाना? फ्लाइट का वक्त हो गया, आप लोग अभी तक आए? हम तो तैयार हैं, अपने अब्बा को तो बुलाओ। अब्बा जान, हम आ गए बस। आप लोग चलिए चलिए, जल्दी चलिए, जल्दी चलो, इसे लो। अमी जान, आप यहाँ बैठिए। आओ निकी, मुन्ना आगे चलो। चलो वैसे मियाँ जल्दी करो। हाँ चल रहा हूँ। चलो जल्दी। अम्मी अबू और निकी चले गए, घर जैसे खामोश हो गया। वसीम का रहना न रहना यूं भी बराबर ही था, फिर भी इन लोगों के सहारे इंतजार की घड़ियां कटी जाती थी। मगर उस रोज जब मैं अकेली रह गई
पर ऐसा महसूस हुआ जैसे घड़ी की सुइयों के भागते रहने के बावजूद मेरा वक्त कहीं ठहर गया हो। इतनी बड़ी हवेली में इधर से उधर घूमती, अपने उस घर को ढूंढती फिरती जो शादी के बाद औरत का अपना होता है, जिसकी बुनियाद उसके मर्द के प्यार पे टिकी होती है। मेरे लिए प्यार का मतलब सिर्फ मेरा शौहर था, लेकिन उनके लिए सिर्फ मेरा जिस्म। मेरे तमाम सपने बिखर कर रह गए और दिल के अरमां आंसू बनकर बह गए। बीवियां अपने शौहरों का इंतजार विस्तर में ही करती हैं। ओए रानी, सब है क्या? पीछे हटो, तुमने शराब पी रखी है।
आज तो मौसम ही शराब बरसा रहा है रानी। सुनो, थोड़ी सी तुम भी पी लो, खुदा कसम रात रंगीन हो जाएगी। मुझे तंग मत करो प्लीज, मेरे सर में दर्द है। तुम्हारे दर्द का इलाज ही तो कर रहे हैं रानी। छोड़ो मुझे, रोज रोज तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। मर्जी तो हमारी चलेगी, जब भी हमें जरूरत होगी तुम्हें हमारी बात माननी होगी। जहाँ मत सिर्फ जरूरत के लिए जाए, वो घर नहीं तवाइफ का कोठा होता है। गेट आउट, I say get out! ये ऑल इंडिया रेडियो हैदराबाद है। आज जुमेरात है 1979 की 18 अक्टूबर। सुबह के 6:32 हुए हैं। हमारी आज की पहली मजलिस अब शुरू होती है। 18 अक्टूबर। अस्सलाम वालेकुम जुम्मन चाचा। वालेकुम अस्सलाम बेटी। आज चाय हम ले जाएंगे। अच्छा। मुबारक हो। सुनो, आज के दिन हम सब पुरानी बातें भुला देंगे। जो तुमने कहा वो मैं भुला दूंगी, जो मैंने कहा वो तुम माफ कर देना, और जो मैंने कहा उसे तुम भी तो माफ कर देना। करोगी ना? औरत के पास माफी नहीं, प्यार होता है, बस प्यार। सॉरी स्वीटहार्ट, आई एम रियली सॉरी। चाय नहीं पियोगे? चाय तो हम जरूर पियेंगे, लेकिन पहले आप यहाँ आइए, चाय बनाइए। अरे नीलू, ये फूल कैसे? आज के दिन का तोहफा। तोहफा? ये हमारी तरफ से आपके लिए, और ये आपकी तरफ से हमारे लिए। आपकी तरफ से हमारे लिए, हमारी तरफ से आपके लिए, लेकिन बात क्या है? याद नहीं, भूल गए ना? 18 अक्टूबर। 18 अक्टूबर, उधर देखो। आ लकीस्ट डे 18th अक्टूबर। अच्छा, तो ये बात है। यही बात है। आज का दिन कितना मुबारक दिन है नीलू। आज के दिन तुम इस घर में आई, इस घर को रोशन किया। अरे जाओ, ये सब मुंह देखे की बातें, आपको तो याद भी नहीं था। सारे गिले तमाम हुए इस जवाब में। देखना, आज शाम को ऐसी शानदार पार्टी करूंगा कि लोग सालों साल याद करेंगे। सालगिरह मुबारक हो भाभी जान। शुक्रिया। आदाब। भाई कमाल है, शादी के पहले सालगिरह का जश्न तो शादी से भी नंबर ले गया। आदाब। अरे ये केक देखा, दो दिल मगर यहाँ तो एक ही दिल नजर आ रहा है। शायद वसीम साहब नहीं आया अभी तक।
भाई नवाब है, नवाब, नवाब वसीम अहमद साहब। ठीक है ठीक है, लेकिन जब दावत दिया तो खुद भी तो आना ही चाहिए था। भाई आज तो बेगम वसीम पर नजरें नहीं टिकती, फिसली पड़ रही है। आए हाय, वारी जाओ, मेरी दुल्हन पाशा कितने चाव से सिंगारा करी, मगर क्या फायदा, देखने वाला खाविंदी ची नहीं आया। आदाब 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 भाभी जान, आदाब आदाब आदाब, मुबारक हो। भाई हद कर दी वसीम साहब ने, ऐसी हसीन महजबीन नाजनीन दिलनशी नीलोफर को छोड़कर अपने प्लाईवुड के दफ्तर में लाहौल वाला कुवर। शायद किसी काम में उलझ गए हो। अरे भाभी आप तो अपने आप में ही फुल टाइम जॉब है, आपसे बढ़कर भी कोई जरूरी काम हो सकता? आप तशरीफ तो रखिए। हाँ वो तो हम रख लेंगे, आप ये रख लीजिए। अरे वाह वसीम मियां, अच्छा ही जुझाला डाले, हम लोग तो यहाँ बुला को खुद क्या के गायब हो गए। तुम बाप बेचारी इंतजारी करते बैठे, अब हम लोग क्या ढपले बजाते बैठना? बस आते होंगे, अभी भी टेलीफोन आया है। आए हाय कुर्बान जाऊं भोली पाशा, एक घंटे से तो हम लोग इधर ही छे, फिर क्या है कि बाबा फोन तुम्हारे कान में आकर बोला होगा। अरे भाई कोई सोडा वोडा का इंतजाम? नहीं 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 नहीं, इन मोतियों को यूं जाया मत कीजिए। अरे आपकी मेज पर तो कुछ ठंडा ही नहीं। फिक्र मत कीजिए, हम तो अपना बंदोबस्त घर से ही करके चले थे। दो घड़ी बैठ जाइए, शराब न सही शबाब ही सही। कसम अल्लाह की, आपकी खूबसूरती का दसवां हिस्सा भी होती हमारी बेगम तो घर की चौखट लांगना भी कुफ्र होता। हाँ सुनिए, उस मैगजीन के प्रपोजल के बारे में एक बार फिर सोच लीजिएगा, शायद कभी काम आ जाए। आदाब। ये छोटे नवाब कहाँ रह गए छोटी दुल्हन? मैं क्या जानू, सब लोग यही पूछ रहे हैं, झूठ बोलते बोलते मेरी जबान छिल गई है। खाने में बहुत देर हो गई है, तो लगवा दीजिए ना खाना। लेकिन आपने तो कहा था केक पहले कटेगा। शादी का केक अकेले हाथ से नहीं काटा जाता जुम्मन चाचा, इसे भिजवा दीजिए अंदर। आप कहाँ चली? ऊपर। ऊपर क्यों? रोने। अरे भाई सोडा लाओ। अरे मेरे को ऐसी बेइज्जती की बात आज जरे भी अच्छे नहीं दिखती। मैं पूछती हूँ, हम लोगों के यहाँ टुकड़े तोड़ने को आए? कमाल है, मेहमान हाजिर मेजबान गायब। देखिए तुम लोग अपनी इज्जत, मर्द का तो पता नहीं दुल्हन पाशा क्या की कमर लटकाते हुए चल दिए। अरे जिसको अपनी बेइज्जती का शौक हो ना, उन्हें बेशर्म बनकर खाएगा। मैं तो चली। वल्लाह आपने तो हमारे मुंह की बात छीन ली भाई। वाकई जहाँ मेहमान की इज्जत ना हो वहाँ तो एक घड़ी भर रुकना भी हराम है। हम तो चले भाई, चलो चलो जुम्मन चाचा, पार्टी क्या इतनी जल्दी खत्म हो गई? मेहमान बगैर खाना खाए ही चले गए। क्यों? आप आए नहीं और छोटी दुल्हन आपका इंतजार करते करते ऊपर चली गई मेहमानों को छोड़कर। जी ये क्या लगवेत है, मेहमानों से घर भरा हो और मेजबानों ने छोड़कर ऊपर चला जाए? लाहौल वाला कुवर, ये क्या बेवकूफी है, मेहमान खाना खाए बगैर चले जाएं और बेगम साहिबा यहाँ आराम फरमा रही हैं। देर से खुद आते हो और इल्जाम मुझे देते हो, किया क्या है मैंने? अपने खाविन की बेइज्जती की है, इस घर की तहजीब को लोगों में जलील किया है। कितने शर्म की बात है कि मेहमान खाना खाए बगैर चले जाएं। तो क्या मैं उन्हें अपने हाथों से खिलाती? लेकिन तुम्हें वहाँ मौजूद तो रहना चाहिए था। बिजी थी। बिजी? शादी की पहली सालगिरह का मातम मना रही थी। देखो नीलोफर, मैं ऐसी बातें सुनने का आदि नहीं। और मैं भी ऐसी बातें सुनने की आदि नहीं। तुमने मुझे आज तक दिया ही क्या है, इंतजार, आंसू। ये गलत है, मैं तुम्हें बेइंतहा प्यार किया है और रोज रात को रोज साथ सो जाने को प्यार नहीं कहते और रोज मुंह फुलाकर पड़े रहने को भी प्यार नहीं कहते। सुनो नीलोफर, तुम्हें मेरे दोस्तों से माफी मांगनी होगी। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूंगी। करना होगा, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ और मैं ये हुक्म मानने से इनकार करती हूँ। मैं तुम्हारा खाविंद हूँ। मैं तुम्हारी बीवी हूँ। तुम अपनी हैसियत
बात भूल रही हो? तुम अपनी तहजीब भूल रहे हो? Shut up! हाथ क्यों रुक गया? मारो, मारते क्यों नहीं अपनी बीवी को? एक जानवर और कर भी क्या सकता है? नीलोफर! चिल्लाओ मत, चीखना मुझे भी आता है। गुस्ताख बदतमीज औरत, मैं तुम्हें घर से निकाल सकता हूँ। ये शौक भी पूरा करके देख लो। ये बात है तो मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। वसीम, तलाक नहीं, तलाक खुदा के लिए नहीं, तलाक नहीं। हैदर साहब, आज भी खौफनाक लफ्ज मेरे कानों में गूंज रहे हैं। जिंदगी की वो तस्वीर जिसमें मैं मुद्दत से प्यार के रंग भर रही थी, तलाक की स्याही से बर्बाद हो गई। अफसोस, तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती हुई है। तुम अपने साथ वहां से कुछ भी नहीं लाए? नहीं, कुछ भी नहीं। इस जिस्म के अलावा कुछ भी नहीं लाई, यहां तक के मेहर की रकम भी नहीं। क्यों? जिस शख्स ने तीन लफ्जों की चोट से निकाह के मुकद्दस रिश्ते को ही तोड़ डाला, उसकी दी हुई रकम लेना मुझे गवारा ना हुआ। मैंने वो भी माफ कर दी। लेकिन ऐसे अकेले कब तक? नीलोफर, तुम अपने वालदेन के साथ क्यों नहीं रहती? हैदर साहब, शोहर के घर से निकाली हुई औरत के लिए दुनिया की कोई चार दीवारी घर नहीं बन सकती। न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, ना मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, ना मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। ना मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, कुछ समझिए आप। औरत अगर चाहे तो मर्दाना समाज से टक्कर ले सकती है, मगर रोकर नहीं, हंसकर, हिम्मत से। क्या सोच रही हैं? मेरा हॉस्टल आ गया है। खुदा हाफिज। गुड इवनिंग। अरे गुड इवनिंग यार। गुड इवनिंग। क्यों री, तेरा ये खूबसूरत जिस्म क्या इस मुए तकिए के ही मुकद्दर में है? मुझे तो इस जिस्म से नफरत हो गई है समीना। ताज्जुब है भाई, हम तो मर्द के बिना रह ही नहीं सकते। तो फिर शादी क्यों नहीं कर लेती? अरे छोड़ यार, अब शादी वादी क्या। जब शादी करना चाहती थी तो मेरे खुदगर्ज बाप ने शोहर के बदले ये टाइपराइटर मुझे थमा दिया। बस उस दिन से कागज की शीट की तरह प्यार बदलती रहती हूँ। अरे हाँ, तेरा खत आया था, ये ले। बॉयफ्रेंड कहे? नहीं रे, लड़कियों के स्कूल में नौकरी के लिए अर्जी दी थी, कल इंटरव्यू है। बुलाइए। वो क्या कह रहा था? तशरीफ रखिए मिस नीलोफर।
आपने सोशियोलॉजी में एमए किया है? जी। पढ़ाई का कोई तजुर्बा? पढ़ाई खत्म होते ही शादी हो गई। ओ, अच्छा अच्छा। लेकिन उसके बाद आपको नौकरी करने का ख्याल कैसे आया? अब मुझे जरूरत है। आपके शौहर? वो मुझे तलाक दे चुके हैं। ठीक है, आप जा सकती हैं। आदाब। ये लड़की लगती तो ज़हीन है और खूबसूरत भी और तलाक शुदा भी। ये उसका जाती मामला है, हमें क्या। ऐसी बातें कर रही हैं आप? अरे भाई, माँ बाप अपनी बच्चियों को यहाँ इसलिए भेजते हैं कि उनकी टीचर उनकी जिंदगी की बुनियाद रखने में मदद करेगी। बेचारी टीचर ही बेबुनियाद होगी तो वो दूसरों को क्या खाक सिखाएगी। सैफ साहब की बात 16 आने सही है। आदा। नीलोफर, सॉरी, हमने तो अपनी तरफ से पूरा जोर लगाया लेकिन दकियानुसी टीचरों ने हमारी एक नहीं चलने दी। कहने लगी एक तलाकशुदा औरत का लड़कियों के स्कूल में रहना मुनासिब नहीं। ठीक ही तो कहा, मुझे वैसे भी उनसे कोई शिकायत नहीं लेकिन हमें तो है। खैर जी, धूल डालिए बीते हुए पर, आगे की सोचिए। आपको याद होगा एक बार हमने अपनी मैगजीन का एडिटर बनने की दावत दी थी आपको। हमें तो आज भी आपका इंतजार है। सोच क्या रही हैं? हाँ कह दीजिए। अब हाँ कह दीजिए। मैं कम इन सर? प्लीज कम इन। आदाब। आदाब। मुंह मीठा कीजिए। किस खुशी में? हमें नौकरी मिल गई है। अरे वाह, मुबारक हो। मगर कहाँ? सैफ साहब के मैगजीन में। सैफ साहब के मैगजीन में? क्यों, क्या हुआ? नहीं, कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन आप अपने काम से काम रखिए बस। अच्छा, अब इजाजत है? अरे भाई, इतनी मिठाई थोड़ी खाएंगे। ये अम्मी के लिए है। लेकिन आप हमारे हाथ से मुंह तो मीठा करते जाइए। मुबारक हो। अरे निलोफा, आपको साहब ने बुलाया है। अच्छा, आपने हमें बुलाया है? हाँ, नीलोफर। हाँ हाँ, रखो, बैठो। भाई मानना पड़ेगा, सलमा की डमी बड़ी अच्छी बनाई तुमने। शुक्रिया। लेकिन इतना काम मत किया करो, थक जाओगी। अल्लाह ने ये खूबसूरत और नाजुक हाथ काम करने के लिए नहीं, प्यार करने के लिए बनाए हैं। छोड़िए मुझे, आप होश में नहीं। अरे हम तो तभी से बेहोश है रानी, जब से आपको देखा है। वसीम तो नादान है जो ऐसा अनमोल हीरा खो बैठा। अरे हमारी बात, हम ऐसे बेवकूफ नहीं है। अरे हमारी बात तो सुनिए। भाई ये तो ठीक नहीं। अब आप रोए क्यों जा रहे हैं? रो कहाँ रहे हैं? एक मिनट। तो फिर ये क्या है? आसमान से टूटा हुआ तारा या किसी जौहरी के हाथ से फिसला हुआ मोती? हम तो ये सोच रहे थे कि अगर आज आप ना आते तो अल्लाह जाने क्या होता। जी अल्लाह को ये मंजूर था कि आप अपना चश्मा हमारे दफ्तर में भूलाएं और इसको देने के बहाने हम आपसे मिलने आए। ऐसे नहीं, मुस्कुरा के लीजिए। सुनिए, आप ऐसे ही हंसते रहा कीजिए और कल से सैफ की नौकरी बंद। नीलू, ओ नीलू पर, तेरी चिट्ठी आज तो जरूर बॉयफ्रेंड की है। क्यों है ना? बाय बाय। फिर मैं आप रफीक से कहें कि इस तकरीर को दो कॉलम में बनाए और दोपहर के बाद हमसे मिलने आए। हाँ, हमने कहा आदाब।
आदाब। हम अंदर आ सकते? वो अपॉइंटमेंट लेटर के लिए बेहद शुक्रगुजार हूँ। अरे भाई छोड़िए ना, ये क्या मालगुजारी के वजन जैसा लफ्ज उठा के ले आई है, बेहद शुक्रगुजार हैं। अरे ये तो हम आपको पहले देने वाले थे जब हमने आपके बारे में पहले पहले जाना था, लेकिन बस यही सोच के रह गए कहीं आप गलत ना समझ लें, और फिर आपने शेफ साहब के यहाँ नौकरी कर ली जो हमें कतई पसंद नहीं थी। लेकिन आपने मना भी तो नहीं किया था। मैं मना किस हक से करते, लेकिन जब हमने देखा कि पानी सर पर आ गया तो हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तब हमने तय किया कि अब हम आपको यूं भटकने नहीं देंगे। खैर छोड़िए, अब मुझे मेरा काम समझाइए। आज कोई काम नहीं करेंगे। फिर आज क्या करेंगे? आज हम घर चलेंगे। अरे ये क्या? नीलूफर। क्या? आप हंस रही हैं? हाँ जनाब, आप हंस सकती हैं, लेकिन ये भी एक राज की बात है। यूनिवर्सिटी के जमाने में आपको इंप्रेस करने के चक्कर में जब हम आपकी पसंद और नापसंद पर रिसर्च कर रहे थे, तब हमें मालूम पड़ा कि आप सितार बजाती हैं। तो बस हम भी शुरू हो गए, लेकिन जिस रोज ये पता चला कि आपकी शादी हो गई है, तो हमने इस सितार को आपकी याद का एक खूबसूरत बहाना बना लिया और इसका नाम नीलोफर रख दिया। लेकिन देखिए ना वक्त की बेवफाई, आज नीलोफर ही नीलोफर को नहीं पहचानती। कोई बात नहीं, हम आपकी इस नीलोफर से दोबारा पहचान करवाते हैं। ये आरज़ू थी कोई दिलरुबा मिले, दिल की ये आरज़ू थी कोई दिलरुबा मिले। लो बन गया नसीब के तुम हमसे आ मिले, दिल की ये आरज़ू थी कोई दिलरुबा मिले। कदमों में दिल बिछा दूं इजाजत तो दीजिए, गम को गले लगा लूं जो गम आपका मिले, गम को गले लगा लूं जो गम आपका मिले। दिल की ये आरज़ू थी कोई दिलरुबा मिले, दिल की ये आरज़ू थी कोई दिलरुबा मिले। उदासियों में गुजारी है जिंदगी
छोड़कर हम आज तक खड़े हैं उसी दिल के मोड़ पर। हमको इस इंतजार का कुछ तो सिला मिले, हमको इस इंतजार का कुछ तो सिला मिले। दिल की ये आरज़ू थी कोई दिलरुबा मिले, दिल की ये आरज़ू थी कोई दिलरुबा मिले। नीलू कहाँ जा रहे हो? नीलू आओ गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। शुक्रिया नवाब साहब, मुझे पैदल चलने की आदत पड़ चुकी है। लेकिन किसी पर एहसान तो कर सकती हो, प्लीज। अच्छा हुआ तो मिल गई, मुझे माफी मांगने का मौका तो मिल गया। वैसे माफी तो मैं तभी से मांगना चाहता था नीलू, जब से मैंने तुम्हें खोया। लेकिन मैं इतना शर्मिंदा और पशेमान था कि तुमसे बोलना तो दूर, नजरें तक मिलाने की ताब नहीं थी मुझ में। बस इसी कश्मकश में वक्त गुजरता गया और बात हाथ से निकलती चली गई। नीलू जब से मैंने तुम्हें देखा तो दो ख्वाब दिल में एक साथ पलने लगे, एक तुम्हें पाने का ख्वाब और दूसरा एक बहुत बड़ा आदमी बनने का ख्वाब। इसलिए अल्लाह ने जब तुम्हें देकर एक ख्वाब पूरा किया तो मैं दूसरे को अंजाम देने में जुट गया। मैं चाहता था जहां तुम्हारे रेशमी पांव पड़े वहां दूर दूर तक मखमली गलीचे बिछ जाए, तुम एक गिलास पानी मांगो तो सौ सौ खादिम दौड़ पड़े। मगर अफसोस, जिसकी खुशी की खातिर सब कुछ करता रहा उसी से खुशियां कोसों दूर चली गई। अब इन बातों से फायदा कुछ नहीं, शायद दिल का बोझ हल्का हो जाए। मुझे यहां उतार दीजिए। सुनिए, कल रात का खाना मेरे साथ खाइए। ये मुमकिन नहीं। लेकिन मैं फिर भी इंतजार करूंगा, ठीक 8 बजे। खुदा हाफिज। आंसू बहाना याद है।
का होना दफतन खींच लेना वो मेरा पर्दे का कोना दफतन और दुपट्टे से तेरा वो छुपाना याद है हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है आशिकी का वो ज़माना याद है चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है मुझे मालूम था तुम आओगी नीलूफर फिर भी आने का बहुत बहुत शुक्रिया देख लो नीलूफर जैसा तुम छोड़ गई थी सब वैसा ही है आज क्या है कुछ नहीं 18 अक्टूबर 18 अक्टूबर जहन पे जोर डालने की जरूरत नहीं नीलू वक्त वक्त की बात है कभी ये तारीख मैं भूल गया था आज तुम वैसे आज कोई खास बात है भी नहीं 2 साल पहले आज के दिन मुझे जिंदगी मिली थी हर 1 साल पहले मौत शादी के दिन मुझे जिंदगी मिली थी और तलाक के दिन मौत उसी को सेलिब्रेट कर रहा हूं घबराओ मत नीलूफर मैं तुमसे बुझाने के लिए नहीं कहूंगा खुद ब खुद बुझ जाएंगी नीलूफर तुमने मुझे बार बार माफ किया एक बार और कर दो अपने घर वापस छोटी दुल्हन सलाम छोटी दुल्हन सलाम जुम्मन चाचा कैसे हैं आप मौत नहीं आती इसीलिए जी रहे हैं बस और सब अब क्या बताएं आपको आप क्या गई लगता है इस घर की सारी खुशियां ही चली गई छोटे नवाब की यह हालत है कि न खाने की फिक्र न सोने का होश बस दफ्तर जाना और 5 बजे आके कमरे में बंद हो जाना अब तो बेहिसाब पीने भी लग गए हैं मैंने टोका तो बोले अब जी के भी क्या करना है चाचा
छोटी दुल्हन, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, इस घर की खुशियां लौटा दीजिए, लौटाइए इस घर में। नहीं जुम्मन चाचा, आज जिस चौराहे पे मैं खड़ी हूँ वहां से कोई रास्ता इस घर तक नहीं आता। अब आप ही कोई रास्ता बता सकते हैं काजी साहब, मैं अपनी तलाक दी हुई बीवी से दोबारा शादी करना चाहता हूँ। दोबारा शादी हलाला के बगैर नहीं हो सकती। हलाला? हाँ वसीम बेटे, नीलोफर से दोबारा शादी करने का एक ही तरीका है, शरा मोहम्मदी और इस्लामी कानून के मुताबिक नीलोफर पहले किसी दूसरे आदमी के साथ शादी करे और उसके साथ बाकायदा बीवी बनकर रात गुजारे, और अगर उसका दूसरा खाविंद अपनी मर्जी से उसको तलाक दे दे और नीलोफर इद्दत की मुद्दत गुजार ले, तो फिर तुम अपनी पहली बीवी के साथ दोबारा निकाह कर सकते हो। लेकिन ये तो बहुत बड़ी सजा है काजी साहब। इस किस्म की दूसरी शादी सजा ही तो है बेटे। इस्लाम ने तलाक के लिए सख्ती से मना किया है ताकि लोग तलाक को खेल न समझें। तलाक सिर्फ मजबूरी में दी जा सकती है, बीवी को घर से निकालने के लिए नहीं। शुक्रिया। तुम घर नहीं गई क्या हैदर? वो मैं कल वसीम से मिली थी। अच्छा किया, क्या कह रहा था? यही कि जो कुछ हुआ उसके लिए वो बेहद पशेमान है। और ये कि वो मेरे साथ नए सिरे से जिंदगी शुरू करना चाहता है। तो तुमने क्या कहा? यही कि आज जिस चौराहे पे मैं खड़ी हूँ वहां से कोई रास्ता उसके घर तक नहीं जाता। हैदर, मैं तैरते तैरते थक गई हूँ, मुझे कोई किनारा चाहिए। इलोफा, जिस चौराहे पर तुम खड़ी हो वहां से कोई रास्ता मुझ तक आता है? निलोफा। नहीं निलोफा, नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए ना। देखिए, 8 रोज के बाद ही ईद है, उसके बाद ही कर देते हैं निकाह। वो तो सब ठीक है, लेकिन एक बार नीलू के अब्बू से तो पूछ देखूं। अरे भाई, इस काम में मुझसे क्या पूछना। बिस्मिल्लाह कीजिए। मुबारक हो। मुबारक हो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाहुम्मा अंता सलाम मिनका सलाम। आमीन आमीन। या अल्लाह, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। वाह 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 वाह, क्या मंजर है, लगता है आज और कल रूबरू गले मिल रहे हैं। मैंने कहा हुजूर, जी भर के गले मिल लीजिए, ना जाने फिर ये मौका आए कि ना आए। ईद मुबारक हो सैफ मियां। हाँ जी, हमें कहा है कि ईद मुबारक। ईद तो इस बार बस इन्हीं के घर छमाछम नूर बरसाने वाली है। अच्छा, वो कैसे? आप एक दूसरे को नहीं जानते? पहचाना नहीं? आप है मिस्टर वसीम, नीलोफर के पहले मियां, और ये है नीलोफर के होने वाले मियां, जनाब आफाक हैदर। मैंने कहा लगे हाथों मुबारकबाद देते जाए। क्यों नहीं, क्यों नहीं, मुबारक हो सर, बहुत मुबारक हो। भाई हम तो निपट लिए, चाहे हमें दावत में बुलाए या ना बुलाए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? खुदा खुदा। बड़े खुशकिस्मत हैं आप, नादानी से जो नगीना मैंने खो दिया था वो आज आपकी अंगूठी में चढ़ने जा रहा है। मुबारकबाद कबूल कीजिए। ये तो अल्लाह पाक का करम है, जिसे चाहता है उसे नवाजता है। अच्छा, ईद मुबारक। उन्हें इजाजत है?
नीलोफर बानो बिनते समीउल्लाह खान साहब, आपका निकाह शेख आफाक हैदर सिद्दीकी वल्द शेख मोहम्मद सिद्दीकी साहब मरहूम से बाएवज 25,000 रुपए सिक्के राइजुल वक्त मेरे मुअज्जल किया गया, क्या आपने कबूल किया? मैंने कबूल किया। आपकी दुआएं राय चाचा। चलो चलो बच्चों उधर खेलो। आदाब मामू जान। आदाब बेटी, जीते रहो। आदाब मुमानी जान। तो और सुनाओ बरखुरदार, कैसे हो? बस दुआ है आपकी। क्यों मियां, ये साहब कौन है? अम्मा खान साहब, तुम नहीं जानते इन्हें? नहीं तो? अरे वही है नवाब कलीम अहमद खान के साहबजादे, विलायती बाबू वसीम अहमद खान साहब। अच्छा अच्छा, तो यही है नीलोफर के पहले शौहर। जी हाँ। शादी मुबारक हो हैदर साहब। शुक्रिया भाई, आपको यहाँ देख के बेहद मसरत हुई। ये मामूली सा तोहफा आपकी बेगम के लिए। आप खुद अपने हाथों से दीजिए। इज्जत अफजाई का शुक्रिया। इसकी क्या जरूरत थी? कबूल फरमाइए प्लीज। हाँ हाँ। अरे भाई क्या हुआ इस लाइट को? कभी कभी दो गलत तार जुड़ जाने से फ्यूज उड़ जाता है। शायद यही हुआ है, हम खुद जाके देख लेते हैं। मुख्तार मियां, बब्बन, ये छुट्टन, बाहर जाके फ्यूज को देखो, देखो क्या हुआ लाइट को। नीलू, उस रोज जब तुम घर आई तो मेरा ख्याल यकीन में बदल गया कि तुम आज भी मुझे चाहती हो। आपको शायद ये निकाह करके तुमने बड़ी समझदारी का काम किया है। नीलू, मेरा दिल और मेरा घर दोनों तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जल्दी घर आ जाओ, मैं इंतजार करूंगा। लगता है आपको कोई गलत फहमी हो गई है। वही सही, लेकिन मैं फिर भी इंतजार करूंगा। हुजूर, आपने सही फरमाया था, वो दो गलत तार जुड़ जाने से अंधेरा हो गया। जैसे ही पुराने तार को निकाल कर नया तार जोड़ा, रोशनी लौट आई। आप खुश हैं ना? सुभान अल्लाह, इस मुस्कुराहट पर तो हम कॉलेज के जमाने से ही निसार हैं। जिन लबों को ये मुस्कुराहट मिली है, उन लबों का, जिस हसीन चेहरे को ये लब मिले हैं, उस चेहरे का, जिस चेहरे को ये बदन मिला है, उस बदन का, जिस बदन को ये रूह मिली है, उस रूह का, दोनों आलम में कोई जवाब नहीं है जानम। नीलोफर, हनीमून के लिए कहाँ चलें? जहां आपका जी चाहे। आगरा चलें? आगरा? ताजमहल दुनिया में मोहब्बत की सबसे बड़ी यादगार है, और हम चाहते हैं कि सलाम अकीदत वहां जाके पेश करें, क्योंकि हमने तुम्हें उतना ही चाहा है जितना शाहजहां ने मुमताज को। ए, कहां खो गए? आगरा। बच्चों, मैं नाश्ता लगा रही हूं। आई अम्मी। नहीं बस लो, खाओ ना, कुछ नहीं होता। अरे वजन की। लो बेटा, हलवा लाई हूं। ठहरिए ठहरिए, हम देते हैं। भाई माफी चाहते, हमसे बर्दाश्त होता, कंबख्त ये मीठा। तुम्हारी फूफी की चिट्ठी आई है बेटा। सब खैरियत तो है ना? नहीं, बीमार है इसीलिए तो शादी में नहीं आई। हाँ,
अम्मी। हाँ। तब तो आपको जाना पड़ेगा। हाँ जाना तो पड़ेगा बेटा, शकीला भी मेरे आड़े वक्तों में बड़ी काम आई है। अब वो बीमार है तो मुझे जाना ही पड़ेगा। अरे बेटी तुमने हलवा नहीं खा? जी खाती हूँ। अम्मी आप कब जाना चाहते हैं? यही तो सोच रही हूँ, अकेले कैसे जाओगे बेटा? अकेले क्यों, मैं आपके साथ चलूंगा ना। बहू को अकेले छोड़कर? नहीं नहीं, बहू को भी साथ लेके चलेंगे। हाँ आपको पुणे छोड़ने के बाद कुछ रोज हम बम्बई घूम घाम लेंगे। ठीक है बेटा। ठीक है ना, अरे इसी बहाने बम्बई में हनीमून मनाएंगे। क्यों तुम रिसेप्शन से कमरे की चाबी लो, पैसे देके आता हूँ। अच्छा कितने हुए? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मिसेस वसीम, आपकी बुकिंग है? हाँ बुकिंग तो है। देखना जरा इनका कौन सा रूम है। मिस्टर एंड मिसेस वसीम, मिस्टर एंड मिसेस वसीम। एक्सक्यूज मी, मिस्टर एंड मिसेस हैदर। मिस्टर एंड मिसेस हैदर। मेम साहब, पहले आप इसी कमरे में ठहरी थी ना, याद है आपको? हुजूर क्या हुआ? हमें कोई दूसरा कमरा नहीं मिल सकता। क्यों, किस लिए? अजी इतना अच्छा कमरा, जरा बाहर जाकर देखिए, यहां से पूरा शहर नजर आ रहा है। और यहां ये आपको जन्नत दिखाए, देखिए इस फ्रिज में देखिए, यहां से सिर्फ पानी पानी। और यहां देखिए, वो देखिए समंदर और आसमान कैसे एक दूसरे के गले मिल रहे हैं, जैसे हम। मुंबई शहर कैसा लगा? है तो अच्छा, लेकिन सोचती हूँ इन बिल्डिंग और इंसानों के हुजूम में लोग सांस कैसे लेते होंगे। हुजूर यहाँ सांस लेने की फुर्सत ही किसे है, बसों और गाड़ियों की भीड़ भाड़ में इंसान खुद मशीन बन के रह गया। हमें तो छोटे शहर की रूह चाहिए जो है। खुश हो सच। हमारा बस चले तो आपके पांव जमीन पर ना पड़ने दें। कहां खो गए? आपकी बाहों में। वल्ला आप तो इस नीले समंदर से भी ज्यादा हसीन लग रही हैं। बंबई में कत्लेआम कराता है क्या? तो करीब आइए। आ गए। अब किसी की नजर नहीं लगेगी। हम तो कुछ भी, हमारे अब्बा जानते, वो बहुत खाया करते। बहुत शरारती हैं आप। आपको पहले से नहीं मालूम था कि हम शरारती हैं? मालूम तो था लेकिन छोड़ दिया। ओह अच्छा, ऑमलेट मीठा। माफ कीजिए मातरमा। ए बशीर मियां। अमा हैदर मियां, तुम यहां? एक मिनट में। मिंटी मेम साहब, मेम साहब वसीम साहब नहीं आए? बड़े अच्छे साहब थे। जवा जवा हवा भी है रहा।
हेल्प यू मैम? एक्सक्यूज मी, आप शायद 2 साल पहले भी यहाँ पर आई थी। आपसे कौन बात कर रहा है? तो माफी चाहते हैं। क्या बात है? नहीं, बात तो कुछ नहीं है। पिछली बार आपके लिए आपके हस्बैंड एक सरप्राइज गिफ्ट रखवा गए थे, शायद वो लेना भूल गए। ये लीजिए। नहीं, कीमत वो दे गए थे। हाँ मैं बोल दीजिए, हम इनका पीए हैं, पर्सनल असिस्टेंट, बोल दीजिए ना। थैंक यू। भाई वाह, ताज वाकई बहुत खूबसूरत है। इस ताज को देख के एक आइडिया आया, क्यों ना हम अपना दूसरा हनीमून आगरा चल के मनाएं? लेकिन पहला कब खत्म होगा? आज ये पहला खत्म होगा ही नहीं। लेकिन छुट्टी तो खत्म हो चुकी है। ये देखिए, आपके दफ्तर से तार आया है और आपको वापस बुलाया है। तो ठीक है, वापस चलते हैं, बाकी का हनीमून घर चल के मनाएंगे। उठिए एडिटर साहब, हनीमून खत्म हो चुका है, आज आपको ऑफिस जाना है। चले जाएंगे अभी तो। उठो, देखो हमारी मानो तो तुम भी आ जाओ। सुबह सुबह अच्छा। बहुत बदमाश हो जी, उठो। हमें कुछ नहीं सुनना, उठो, चलो उठो। क्या मिलिट्री के कमांडर की तरह हुक्म चला रही हो? आर्मी ज्वाइन की थी क्या? वहाँ भी सुबह सुबह चाय मिलती है? घड़ी देखिए, 9 बज रहे हैं और साहब बहादुर को बैठनी चाहिए। चलो उठो, उठो, चलो। अरे क्या करते, लूट खुल जाएगी। चाय तो मिलनी चाहिए। चलो चलो चलो, चाय में कुछ नहीं। अरे क्या करते हो? अरे पानी, अरे मार जाने से पहले कुछ और भी करना पड़ता। अरे सबसे ठंडा पानी। तशरीफ ले जाइए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कुछ रह गया है। क्या रह गया? वो क्या है कि चौबी। अरे सोचो। आप शाम को कब आएंगे? अजी अभी आ जाते। अभी नहीं तो फिर अभी क्या करें? अभी दफ्तर जाएं। जो हुक्म, बंदा शाम को 5 बजे तशरीफ लाएगा, आप तैयार रहिएगा, सिनेमा चलेंगे। खुदा हाफिज। खुदा आपका मुहाफिज रहे। शाम को तैयार रहिएगा। हैदर की मोहब्बत ने मेरी वीरान जिंदगी में प्यार के फूल खिला दिए। मेरे दिल की खिजा में दोबारा बहार आएगी, ये तो मैंने सोचा भी ना था। 4:45। कमाल है, एडिटर साहब आज वक्त से पहले ही आ गए। आती हूँ। क्या नीचे से हॉर्न दे रहे हो? ऊपर आओ ना। नहीं बाबा, ऊपर नहीं आएंगे, बहुत थके हुए हैं, तुम ही नीचे आ जाओ। हाँ जी, कैसी बातें करते हो? अच्छा बाबा, अब आ जाओ, 5 बज चुके हैं, 5:30 बजे का शो है। कपड़े तो बदल लूं? अरे तुम ऐसे ही बहुत हसीन लग रही हो, हमसे पूछा करो ना, बस आ जाओ तुम। कुछ और पहन लिया तो बस कयामत ही आ जाएगी। हाँ बहुत थक गए हो, किया क्या दिन भर आज? 150 मर्तबा तुम्हारी तस्वीर दराज से निकाली और 149 मर्तबा अंदर रखी। आखिरी बार मेरे पास थी, 1000 मर्तबा कागज पर तुम्हारा नाम लिखा और 1,00,000 मर्तबा तुम्हें याद किया। थकना तो था ही, चलो गाड़ी चलाओ। लेकिन स्टार्ट तो करने दो। मैं कहती हूँ ना, गाड़ी चलाओ। सुनो जी। हाँ जी जी। क्या कर रहे हो जी? जी आपको याद कर रहे हैं जी। वो तो दफ्तर जाके करना। अच्छा जी, अभी मेरा एक काम कर दो। जी फरमाइए जी। मैं तौलिया भूल गई हूँ, जरा दे दो ना प्लीज, अलमारी में है। अच्छा जी, कुछ और हुक्म कीजिए, आपके जरखरीद गुलाम है, कुछ और कहिएगा, वो भी लेकर आएंगे।
हाजी हुक्म हुक्म लीजिए सरकार। जल्दी करो ना बाबा। भाई आ तो रहे हैं आप, तो खामखा इतनी परेशान हो। तौलिया दो। न्यो, बाहर आके लो। मुझे पता होता तुम इतने बेशर्म हो, तुमसे कभी शादी ना करती। अच्छा आप कितने बेशर्म से शादी करती। बदतमीज। चलो हैदर मियां। वसीम का खत। नीलू मेरी जिंदगी। अब तो हनीमून से भी वापस आ गई होगी। मेरी तन्हाइयां तुम्हें पुकार रहे हैं। अब तलाक लेकर जल्दी से अपने घर वापस आ जाओ। याद है शादी की वो रात जब अचानक बिजली चली गई, तब मैंने तुमसे कहा था कि मेरा दिल और मेरा घर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कल मेरी सुहागरात थी, दूसरी सुहागरात। मैं हैदर की बाहों में थी, फिर भी ना जाने क्यों पहली सुहागरात मुझे याद आ गई। किस्मत का एक और मजाक। पहला हनीमून बंबई में और अब ये दूसरा भी वहीं। इतना ही नहीं, वही होटल, वही कमरा और वही पलंग। लम्हे भर को तो मुझे लगा जैसे बाहें भी वही हों। क्या यादों की गिरफ्त इतनी मजबूत होती है। बंबई में पहली बार जहां जहां मैंने वसीम को चाहा था वो वहां वहां नहीं थे। दूसरी बार जहां जहां सिर्फ हैदर को चाहा था वहां वहां वसीम भी मौजूद थे। बीते वक्त को पीछे छोड़ने की मैं जितनी भी कोशिश करती हूं उतना ही वो समंदर की लहरों की तरह उछल उछल कर मुझे भिगोने लगता है। कहते हैं औरत अपना पहला प्यार कभी नहीं भुला पाती, कहीं ये सच तो नहीं। क्या ढूंढ रहे हो? कुछ नहीं, पता नहीं रुमाल कहाँ रख बैठा हूँ। सामने तो पड़ा है, ये लीजिए। आप तो कुछ भी नहीं संभाल सकते। शायद तुमने ठीक ही कहा, मैं कुछ भी नहीं संभाल सका। अच्छा मैं दफ्तर चलता। नाश्ता? नाश्ता वो टिकटें मंगा ली हैं? हम आप ही से बात कर रहे हैं हैदर साहब। क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, यूं ही एक कहानी में उलझ गया हूं। नाश्ता तो कीजिए ना। नहीं आज कुछ तबीयत ठीक नहीं है। खुदा हाफिज। सुनिए आप घर आएंगे या हम दफ्तर आएं? क्यों? याद नहीं आज ड्रामे में जाना है। तुम सीधे थिएटर चले आना। अच्छा अब क्या? आप कुछ भूल नहीं गए? नहीं तो? अच्छा तो अब ये भी याद दिलाना पड़ेगा। नीलूफर। हेलो। आदाब। कैसी हैं आप? शुक्र है अल्लाह का, आप कैसे हैं? बस इंतजार कर रहा हूं, अब जल्दी अपने घर वापस आ जाओ। बस बहुत होगी पढ़ाई लिखाई। ए क्या बात है, दो रोज से उखड़े उखड़े रहते हो। कुछ खास नहीं, एक कहानी जरा। ये कौन सी कमबख्त कहानी है जो मेरी सौत बन के तुम्हारे पीछे पड़ गई है? कहानी तो करीब करीब पूरी हो चुकी है, बस क्लाइमेक्स बाकी है। तो हमें सुना दो, शायद हम ही को क्लाइमेक्स बता दे।
जरूर सुनाएंगे। एक लड़का और एक लड़की, दोनों एक दूसरे को दिलो जान से चाहते हैं, यहां तक कि शादी की तारीख भी तय हो जाती है। अचानक लड़का जो फौज में काम करता है लड़ाई में मारा जाता है। अच्छा, लड़की की जिंदगी में अंधेरा छा जाता है, वो टूट जाती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरा लड़का उसकी जिंदगी में आता है। बस यही तो बात है, जहां देखी अकेली कमजोर लड़की, लड़कों ने जाल फेंका। नहीं नीलोफर, वो लड़का ऐसा नहीं था। वो इस लड़की को अरसे से दिल ही दिल में चाहता था, इसीलिए वो चाहता था कि वो हमेशा खुश रहे। तो फिर इन दोनों ने भी शादी करने का फैसला कर लिया। शादी होने ही वाली थी कि लड़की को पता चला उसका मंगेतर मरा नहीं, जिंदा है। इंटरेस्टिंग। फिर इसी फिर पर तो कहानी अटकी है नीलोफर। तुम्हारी क्या राय है, लड़की को पहले वाले का हाथ थामना चाहिए या दूसरे का? लड़की पहले वाले लड़के को बहुत प्यार करती थी? करती तो थी। और लड़का भी प्यार करता था? यकीनन। फिर तो लड़की को पहले वाले लड़के के पास ही जाना चाहिए। क्यों, कैसा लगा क्लाइमैक्स? पोस्टमैन। हमारा को खत है? है ना, बहुत महक रहा है। लगता है किसी चाहने वाले का है। किसका है? वसीम ने बर्थडे ग्रीटिंग्स भेजी हैं। बर्थडे? हाँ। किसका? हमारा। आपने कभी मैं बताया नहीं। किसी ने मनाया ही नहीं आज तक, इसीलिए याद ही नहीं रहा। तो ठीक है, हम आज मनाएंगे आपका बर्थडे। फिर तो तोहफा भी मिलेगा। जरूर मिलेगा तोहफा, लेकिन आप पैदा कितने बजे हुई थी? अम्मी कहती हैं शाम को 7 बजे। शाम को 7 बजे? ठीक है, आज शाम को 7 बजे आपका तोहफा आपकी नजर किया जाएगा। तब तक के लिए आफाक हैदर को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। वसीम को काम से फुर्सत नहीं थी, हैदर को मोहब्बत से फुर्सत नहीं है। वसीम वक्त के हाथ में था, हैदर के हाथ में वक्त है। वाई एडिटर साहब, वक्त की पाबंदी तो कोई आपसे सीखे। आप? ये रहा आपकी सालगिरह का तोहफा। तोहफा? ये क्या मजाक है? आइए, आप ही ने तो उस कहानी का ही अंजाम तजवीज किया था। मैं कहानी नहीं, अपनी और आपकी हकीकत हूँ। नीलोफा, खफा होने का दिन नहीं, आज के दिन तो वो तोहफा भी कबूल कर लिया जाता है जो नापसंद हो। खुदा के लिए इस बात को यही खत्म कर दीजिए। उफ मेरे अल्लाह, हम आपको कैसे समझाएं? आप गलत समझ रहे हैं हैदर, आप गलत समझ रहे हैं। हम गलत समझ रहे थे नीलोफर, कि तुम वसीम को भूल चुकी हो। मगर जिस रोज तुम्हारी डायरी पढ़ी, उस रोज हमें अपनी गलती का पता चला कि तुम वसीम को कभी नहीं भुला पाए। ऐसा नहीं है हैदर, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है नीलोफर। शादी तो तुमने शरीयत की रस्म पूरी करने के लिए की थी, और फिर इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, क्योंकि औरत
अपने पहले प्यार को कभी नहीं भुला पाती और फिर हमें कोई हक नहीं पहुंचता कि हम दो प्यार करने वालों को इस तरह तड़पता देखते रहे। हम हमारी तरफ से तुम शरई तौर पर वसीम के साथ जा सकती हो। हमने तुम्हें आजाद किया। आजाद किया? तुम होते कौन हो मुझे आजाद करने वाले? मैं तो तुम्हारी लौंडी नहीं जो तुमने मुझे आजाद किया, और ना ही तुम्हारी जेब में पड़ा हुआ नोट जिसे तुम जब चाहो खैरात में दे दो। नीलोफर, हमारी पूरी बात तो सुनिए। सुनना तो मेरी तकदीर है, औरत हूं ना जो सदियों से मर्द की बात सुनती चली आई, लेकिन आज तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। मैं पूछती हूँ कि जो शादी मेरी मर्जी के बगैर हो ही नहीं सकती, उसके टूटने या तोड़ने में मेरी हाँ और ना का दखल क्यों नहीं जरूरी? नीलोफर, मैं पूछती हूँ वसीम में और आप में फर्क ही क्या है? इन्होंने तलाक गाली की तरह दी, आपने तोहफे की तरह। इन्होंने तलाक देकर अपना हक जताया, आप वही तलाक देकर अपनी कुर्बानी का एहसास दिलाना चाहते हैं। दोनों ही सूरतों में दांव पर तो औरत ही लगी ना। मर्द की जीत हुई, औरत हार गई। हाँ, मैं हार गई हूँ हैदर, मैं हार गई हूँ। नहीं नीलोफर, मत कहो मुझे नीलोफर। वसीम ने तीन बार तलाक 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 कहा और घर से निकाल दिया, और तुम वही तीन लफ्ज कहकर चाहते हो कि मैं वहां वापस चली जाऊं, जैसे मैं कोई पलंग हूं जब चाह इस्तेमाल के बाद बाहर निकाल दिया। बस नीलोफर, बस। तलाक देने का हक है ना आपको, देते क्यों नहीं? आपके सामने खड़ी हूं लाचार बेबस। मारो तलाक के तीन पत्थर और निकाल दो घर से मुझे। नीलोफर, नीलोफर, आप हमें गलत समझ रही हैं। मैंने आपको क्या समझा था आप क्या जाने? मैंने तो समझा था कि अगर खुदा के बाद किसी का सजदा जायज होता तो आपका, लेकिन आप भी बस सबकी तरह मर्द ही निकले जो औरत को औरत नहीं जायदाद समझते हैं। लेकिन हैदर साहब, मैं कोई जायदाद नहीं, एक जीती जागती औरत हूं, कोई लाश नहीं जो मर्दाना समाज अपनी मर्जी से मेरी कब्रें बदलता रहे। हैदर साहब, आप मुझे क्या छोड़ेंगे? मैं ही आपको छोड़ रही हूं। नीलू, मत आइए मेरे पास, आप ना महरम है अजनबी है मेरे लिए। जानता हूं, मगर मैं तो तुम्हारे सामने अपने गुनाहों का एतराफ करने आया हूं। यह कहने आया हूं कि मेरी खुदगर्जी की सजा हैदर को क्यों दी जा रही है। मैंने तुम्हें चाहा अपनी खुशी के लिए, पाया अपनी खुशी के लिए, खोया अपनी खुशी के लिए। मगर हैदर ने तुम्हें चाहा तुम्हारी खुशी के लिए, पाया तुम्हारी खुशी के लिए, और आज अगर छोड़ भी रहे हैं तो तुम्हारी खुशी के लिए। नीलोफर, अगर तुम इन्हें छोड़कर चली गई तो खुदा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। सजा इसे नहीं, सजा तो मुझे मिलनी चाहिए, ताकि आइंदा कोई खुदगर्ज खाविन अपनी बीवी को शरीयत की आड़ लेके तलाक न दे सके, और तलाक 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 के ये तीन लफ्ज खुदा का कहर बन जाए। कहर तो है औरत होना, जो हमेशा डर के साए में जिंदगी काटती है, कि न जाने कब उसका चाहने वाला, उसका रखवाला, उसका शौहर उसे बेइज्जत करके घर से बेघर कर दे। अल्लाह, क्या यही है तेरा इंसाफ कि मर्द को जन्म देने वाली औरत उसी के हाथों जुल्म का शिकार हो और तू देखता रहे? या अल्लाह, मुझे रास्ता दिखा, मुझे रास्ता दिखा, मुझे रास्ता दिखा। एक ही रास्ता नीलू, और वो है
निकाह के पाक और मुकद्दस रिश्ते की कद्र करना। हैदर तुम्हारा शौहर है, तुम उसकी बीवी, तुम्हें इस घर को बर्बाद करने का कोई हक नहीं। नहीं वसीम साहब, इसमें नीलोफर का कोई कसूर नहीं। अगर कोई कसूर है तो मेरा, जो भूल गया था। बीवी एक तोहफा नहीं जिसे जब चाहो किसी को दे डालो। मैंने अपनी बीवी की मोहब्बत पर शक किया, मुझे तो माफी मांगने का भी कोई हक नहीं। हैदर, इसमें भी गलती सिर्फ मेरी थी। मैंने नीलोफर को तलाक दी, गुनाह किया, उसके बाद अपनी खुदगर्जी के लिए दूसरे की बीवी को छीनने की कोशिश की, दूसरा गुनाह किया। मैंने खुद और इंसान दोनों को बदनाम किया है। या अल्लाह, मर्द को तौफीक दे कि वो औरत की बेइज्जती ना करे, उसके दिल से तलाक का लफ्ज निकाल कर फेंक दे और तलाक 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 की बजाय उसे प्यार 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 कहना सिखलाए। आमीन।